जिला पंचायत पर भाजपा का कब्जा। उम्मीदवार राहुल सिंह लोधी बनी जिला पंचायत अध्यक्ष। टीकमगढ़ जिला पंचायत के चुनाव आज संपन्न हुए। काफी गहमा गहमी के बाद चुनाव संपन्न किए गए। चुनाव में खरगापुर विधायक की पत्नी उम्मीदवार राहुल सिंह लोधी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनी गई हैं। इसके बाद भाजपाइयों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है और जिले के तीनों विधायक जतारा विधायक हरिशंकर खटीक, टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी गोस्वामी, खरगापुर विधायक राहुल सिंह एक साथ जनता के साथ खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कलेक्ट्रेट के सामने ढोल नगाड़ों पर जहां कार्यकर्ता झूम रहे हैं, वहीं तीनों विधायक उनका उत्साह वर्धन कर रहे हैं। विधायक द्वारा इसे जनता की जीत बताया गया है और कहा गया है कि जो सदस्यों द्वारा विकास के वादे किए गए थे उनको पूरा करना ही उनका लक्ष्य रहेगा और जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने का पूरा प्रयास भाजपा पार्टी द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में भाजपा पार्टी के तीनों विधायक व कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। टीकमगढ़ से संतोष कुशवाहा की रिपोर्ट। जीत हुई, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, किसकी जीत मानते हैं आप? जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर है। बहुत बड़ी जीत हुई है और पार्टी का अध्यक्ष बना है। पूरे अभियान में हमारे सारे कार्यकर्ता हमारे टीकमगढ़ के विधायक राकेश जी, हमारे जतारा के विधायक हरिशंकर जी और सभी हमारे कार्यकर्ता और सभी हमारे जिला पंचायत सदस्य साथी भाई हैं, पूरा सहयोग किया उन सबके आशीर्वाद से, उन सबके सहयोग से ही आज भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष बना। आगे क्या विकास रहेगा? जो भी हमने चुनाव लड़ते समय और हमारे जितने सदस्य हैं, जो जिला पंचायत सदस्य जिन्होंने हमारा सहयोग किया, उन सब ने चुनाव लड़ते समय जो भी घोषणा करी होगी, पहले उन सब घोषणाओं का पे अमल होगा और मुख्य मुद्दा विकास का रहेगा, जो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा हमेशा से रहा है, पूरे क्षेत्र का विकास।